चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस श्री गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम लोग प्रतिदिन श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं, उनकी शिक्षाओं का पाठ कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में विशेषतः इस स्थान में मध्य भारत में ज़्यादा कोई जानते नहीं थे। इस्कॉन में आने से पहले मुख्यतः अधिकांश लोग चैतन्य महाप्रभु के विषय में नहीं जानते। हमने भी पहली बार जब घर पे बताया था कि एक यात्रा जा रही है मायापुर, तो ले मायापुर क्या है, वृंदावन सुना था, कुरुक्षेत्र सुना था, मायापुर क्या है, बोला कलकत्ता के पास है। कलकत्ता सुन के तो और ही मना कर दिया हमने, कलकत्ता तो जाना ही नहीं है, वहाँ जादू करते हैं, आदमी को मुर्गा बना के ले जाते हैं, ऐसी धारणा थी। तो बोले वहाँ तो बिल्कुल नहीं जाना है। तो चैतन्य महाप्रभु के विषय में श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व को परिचित कराया, अन्यथा चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सारा विश्व वंचित रह जाता। एक बार कुछ बच्चों को लेकर टीचर पंचतत्व के सामने आए और बच्चे पूछ रहे थे कि मैडम मैडम इनको क्या पनिशमेंट मिली है क्या, ये हाथ खड़े करके क्यों खड़े हैं। तो टीचर को भी नहीं पता था ये कौन है, तो उसने पढ़ा नेम प्लेट पे जो इंट्रोडक्शन लिखा होता है पंचतत्व, तो उसने बोला बेटा ये पंचतत्व हैं, ये एक पृथ्वी का रूप है, एक आकाश का रूप है, एक अग्नि का रूप है, एक जल का रूप है, इस तरह पांच तत्व जब आपके सामने हाथ खड़े करके खड़े हो जाएं तो समझ लेना आप भगवान बन गए हैं। तो पास में एक भक्त खड़ा था, उसने बोला इसकी पंचतत्व की डेफिनेशन सुन के इच्छा हो रही इसको एक पंचदेह के तत्व समझाओ। पंचतत्व, तो इन विषय में हम जान ही नहीं पाते, यहाँ तक कि शास्त्र पढ़ने के बाद भी चैतन्य महाप्रभु के विषय में जानना बड़ा ही दुर्लभ था। हम उदाहरण देखते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य का। सार्वभौम भट्टाचार्य स्वयं इतने प्रकांड पंडित थे, उनके पास पढ़ने के लिए सारे विश्व से लोग आते थे, प्राय भारतवर्ष से तो सब आते ही थे, और श्रुतिधर थे। नवदीप से पहले शिक्षा की स्थली हुआ करती थी मिथिला, तो सार्वभौम भट्टाचार्य मिथिला गए और सारे न्यायशास्त्र इत्यादि की व्याख्याएं अपनी श्रुति में लेकर के आ गए, और फिर उन्होंने अपना स्वयं का आश्रम शिक्षा स्थली खोली, चतुष्पाठी खोली। तो ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य भी शास्त्र पढ़ने के बाद चैतन्य महाप्रभु की चरित्र को, चैतन्य महाप्रभु के विषय में जान नहीं पाए। अभी कुछ दिन पहले इस ग्रेस अनंत शेष प्रभु आए थे और उन्होंने गंगा के प्रवाह की तरह श्लोक दिखाए थे अलग अलग शास्त्रों से, जिसमें चैतन्य महाप्रभु का नाम दिया है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान दिया है, उनके माता पिता का नाम दिया है, उनकी जन्म तिथि दी है, उनके कार्य दिए हैं, फिर भी शास्त्र पढ़ने के बाद श्रुतिधर जिसको शास्त्र कंठस्थ थे, ऐसे व्यक्ति भी चैतन्य महाप्रभु के विषय में नहीं जान पाए। और चैतन्य महाप्रभु जब नवदीप आते हैं तो सार्वभौम भट्टाचार्य को लगता है कि ये कोई भावुक नवीन सन्यासी है। गोपीनाथ आचार्य उनको समझाते हैं, लीला आप लोगों को पता है किस तरह 7 दिन सार्वभौम भट्टाचार्य से श्रवण करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, और उसके अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु को सार्वभौम भट्टाचार्य आत्मसमर्पण करते हैं। लेकिन वही चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ था। यद्यपि सार्वभौम भट्टाचार्य कृष्ण कृष्ण नाम लेना शुरू कर दिए थे, चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु एक दिन सुबह के समय जब स्वयं जगन्नाथ का महाप्रसाद लेके उनके पास पहुँचे तो सार्वभौम भट्टाचार्य वो प्रसाद को ग्रहण करने के लिए तैयार हो गए। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं सब ठीक है, तुम्हारे शास्त्र का न्याय ठीक है, बिना नहाए धोए के इस तरह खाना चाहिए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो अपने संध्या वंदन को लेकर के, अपने नित्य क्रियाओं को लेकर के इतने शास्त्र के निपुण थे, वो चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं जगन्नाथ का प्रसाद जैसे ही मिलना है वैसे ही मुख में डालना है। ये तो हमारे इस्कॉन के डिवोटीज वैसे ही जानते हैं, शास्त्र की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही प्रसाद हाथ में आए अंदर लेना है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य की ये महाप्रसाद के प्रति भक्ति देख करके चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं आजी मोर पूर्ण होइलो सर्व अभिलाष,
सार्वभौम है लो महाप्रसाद विश्वास। आज मेरा सारा कार्य सिद्ध हो गया है कि सार्वभौम भट्टाचार्य को महाप्रसाद के ऊपर विश्वास हो गया है। तो इस तरह सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार हुआ। सार्वभौम भट्टाचार्य अगले ही दिन जगन्नाथ का दर्शन करने जाते हैं और जगन्नाथ का दर्शन करने के बाद बहुत सारा प्रसाद जगन्नाथ का लेकर के आते हैं भक्तों के लिए। चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करके सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं कि महाप्रभु, मैं भक्ति करना चाहता हूँ, भक्ति का सर्वश्रेष्ठ अंग क्या है? चैतन्य महाप्रभु उनको उपदेश देते हैं, हरेर्नाम केवलम कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। हरिनाम के माध्यम से ही कलयुग में भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। सार्वभौम भट्टाचार्य सारी शिक्षा प्राप्त करे चैतन्य महाप्रभु से और बाहर निकल के दो सुंदर श्लोक सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु के गुणगान में लिखे। वो दो श्लोक सार्वभौम भट्टाचार्य स्वयं चैतन्य महाप्रभु को नहीं देना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु को ये समर्पित करेंगे। तो उन्होंने जगदानंद पंडित और दामोदर पंडित के हाथ में ये ताण पत्र पे लिखा था, उनके हाथ में दे दिए दोनों श्लोक। और जगदानंद पंडित जैसे ही जा रहे थे महाप्रभु को ये पत्र देने के लिए, बीच में मुकुंद दत्त मिल गए। वो क्या महाप्रभु को पहले से जानते थे, उनको पता था कुछ घटना हो सकती है, तो उन्होंने बोला थोड़ा हमको ये पत्र दो। उन्होंने उनके हाथ से पत्र लिया और वो दो श्लोक दीवार पर लिख दिए, बोला अब लेके जाओ। तो चैतन्य महाप्रभु के पास जैसे ही वो दो श्लोक लेकर के गए, चैतन्य महाप्रभु उनको फाड़ के फेंक दिया। लेकिन भक्त लोग तो ज़्यादा चतुर हैं, पहले से ही दीवार पे लिखा था, जो पहले पत्र पे था सभी भक्त पढ़ के उसका आनंद ले रहे थे। और वही दो श्लोक आज हम लोग पाठ करेंगे, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला छठवें अध्याय से श्लोक संख्या 254, इसके पहले वाला, फिर इसके ऊपर भी जाएंगे। इसके पहले वाला सब भक्त कंठस्थ है ही। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थमेकं पुरुषा पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपां बुधियस्तमहं प्रपद्ये। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता हूँ, जो हमें वास्तविक ज्ञान, अपनी भक्ति तथा कृष्ण भावनामृत के विकास में बाधक वस्तुओं से विरक्ति सिखलाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। वे दिव्य कृपा के सिंधु होने के कारण अवतरित हुए हैं। मैं उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। यह श्लोक तथा अगला श्लोक श्री कवि कर्णपुर कृत श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक में पाए जाते हैं। अगला श्लोक कालात्निष्ठं भक्ति योगं निजं प्रादुष्कर्तुं कृष्ण चैतन्य नामा आविर्भूता तस्य पदारविन्दे गाढं गाढं लीयतां चित्तभृङ्गा कालं नष्टं भक्तियोगं निजं प्रादुष्कर्तुं कृष्ण चैतन्य नामा आविर्भूता तस्य पदारविन्दे गाढं गाढं लीयतां चित्तभृङ्गा। एक भक्त कोई बोलना चाहते हैं? काला नष्ट
माता अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, मधुकर के समान मेरी चेतना उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करे, जो अब श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में अपने प्रति प्राचीन भक्ति योग की शिक्षा देने के लिए प्रकट हुए हैं। यह भक्ति योग समय के प्रभाव से लुप्त प्राय हो चुका था। कृपया दोहराइए, मधुकर के समान मेरी चेतना उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करे, जो अब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अपनी प्रति प्राचीन भक्ति योग की शिक्षा देने के लिए प्रकट हुए हैं। ये भक्ति योग समय के प्रभाव से लुप्त प्राय हो चुका था। तात्पर्य, भगवद गीता में भगवान कृष्ण द्वारा कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धार्मिक प्रथा का ह्रास और अधर्म की प्रधानता होती है, तब तब हे भरतवंशी मैं अवतरित होता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के विषय में यही बात लागू होती है। श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में कृष्ण के प्रच्छन्न अवतार के रूप में प्रकट हुए, किंतु उनके आविर्भाव की पुष्टि श्रीमद्भागवत महाभारत तथा अन्य वैदिक शास्त्रों से होती है। वे इस जगत के पतितात्माओं को शिक्षा देने के लिए प्रकट हुए, क्योंकि इस कलयुग में प्राय हर व्यक्ति सकाम तथा अनुष्ठान कर्मों में एवं मानसिक तर्क में लिप्त है। अतएव भक्ति योग को पुनर्जीवित करने की नितांत आवश्यकता थी, इसलिए भगवान स्वयं भक्त वेश में अवतरित हुए, जिससे पतित जन समूह भगवान के दृष्टांत से लाभ उठा सके। भगवद गीता के अंत में भगवान कृष्ण ने अपनी भक्त को पूर्ण आत्मसमर्पण का परामर्श देते हुए उसे संरक्षण देने का वचन दिया। दुर्भाग्यवश लोग इतने पतित हो गए हैं कि वे भगवान कृष्ण के आदेशों को स्वीकार नहीं कर सकते। अतएव उसी उद्देश्य से कृष्ण पुनः अवतरित हुए, किंतु उन्होंने यह कार्य भिन्न प्रकार से संपन्न किया। उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के रूप में हमें आदेश दिया कि हम उनकी शरण ग्रहण करें, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्होंने हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करने की विधि की शिक्षा दी। इसीलिए गोस्वामियों ने उनकी प्रशंसा इस प्रकार की है, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। भगवान श्री कृष्ण निश्चय ही परमेश्वर हैं, किंतु वे श्री चैतन्य महाप्रभु के समान उदार नहीं हैं। भगवान कृष्ण ने मनुष्य को केवल यही आदेश दिया कि मेरे भक्त बनो, मनमना भव मत भक्तो, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भावनामृत की विधि वास्तव में सिखलाई। यदि कोई भगवान कृष्ण का भक्त बनना चाहता है, तो सर्वप्रथम उसे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी होगी, जैसा कि सार्वम भट्टाचार्य तथा अन्य उन्नत भक्तों ने किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में उपदेश दिए, और उनका उद्देश्य था जीवात्माएं धर्म का पालन करके मुस्तक वापस आएंगी। भगवान कृष्ण पीछे मुड़ के देखते हैं, कोई आ ही नहीं रहा है, क्या गड़बड़ हो गई, कोई मेरे आदेशों को पालन ही नहीं कर रहा है। उनको समझ में आया कि कुछ लेटेस्ट ट्रेंड फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग आएंगे नहीं।
तो उस समय का लेटेस्ट ट्रेंड क्या था, कर्मकांडी ब्राह्मणों का लेटेस्ट ट्रेंड था। उस समय लोग कर्मकांडी, ज्ञानकांडी, ब्राह्मणत्व, सन्यासी धर्म, इनका पालन करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने वर्णाश्रम में सर्वोच्च स्थिति ग्रहण की, ब्राह्मण कुल में जन्म और सन्यास आश्रम का ग्रहण। श्री श्रीमद् राधानाथ स्वामी महाराज एक प्रवचन में बताते हैं, अगर चैतन्य महाप्रभु आज के समय में आते तो क्रिकेटर बन के आते, क्योंकि लोग आजकल क्रिकेटर्स की बात सुनते हैं। ये प्रवचन भी 30 साल पहले का था, अगर आज आते तो शायद यूट्यूबर या ब्लॉगर बन के आते, क्योंकि उनकी बातें लोग ज़्यादा सुनते हैं, शास्त्र की बातें नहीं सुनते हैं। तो जो भी हो, चैतन्य महाप्रभु ने, श्री कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु का जब रूप लेने का निश्चय किया तो सन्यासी वेश में आए, और उनका मुख्य उद्देश्य था शिक्षा, कैसे भक्ति करना है उसकी शिक्षा में जन जन को दूँ। अब पढ़ाने के लिए तो एक्सपर्ट टीचर बनना पड़ेगा, जो विषय कृष्ण का है ही नहीं वो कृष्ण दूसरों को सिखाएंगे कैसे, क्योंकि भगवान स्वयं की भक्ति तो करते नहीं हैं। तो भगवान को भक्ति तत्व सिखाना है, उसके लिए तो उनको खुद को गुरु चाहिए भक्ति सीखने के लिए। तो भगवान के गुरु कौन है, कृष्ण के गुरु हैं श्रीमती राधा रानी। चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर एक श्लोक आता है, आदि फोर 125। श्रीमती राधा रानी वृंदा देवी से पूछ रही हैं, श्रीमती राधा रानी वृंदा देवी से पूछ रही हैं, कस्मात वृंदे, वृंदा कहाँ गई थी तुम, कहाँ से आ रही हो। वृंदा देवी बोल रही हैं, प्रिय सखी हरे पादात पाद मूलात, मैं कृष्ण के चरणों के पास से आ रही हूँ, कृष्ण के पास से आ रही हूँ। अच्छा, कुतो सौ, कहाँ है कृष्ण, कहाँ थे वो जो तुम वहाँ से आ रही हो। कुंडारण्य, राधा कुंड के तट पर थे। अच्छा, किम यहाँ कुरुते, वो क्या कर रहे थे वहाँ पर। राधा रानी वृंदा देवी को पूछ, वृंदा देवी बोलती है, नृत्य शिक्षाम, नृत्य सीख रहे हैं, नृत्य सीख रहे हैं, किससे, गुरु कहा, गुरु कौन है, उनका गुरु कौन है। तम, आप उनकी गुरु हैं। राधा रानी बोलती, मैं तो यहाँ हूँ, मैं उनके गुरु कैसे बन सकती हूँ। बोले, नहीं नहीं, आप तो यहाँ हैं, त्वन मूर्ति, आपकी मूर्ति से नृत्य सीख रहे हैं। राधा रानी सोच रही है, मेरी मूर्ति कब बनी, ले आपकी मूर्ति कब बनी। जय श्री श्री राधा मदन मोहन कृष्ण बलराम गौर नित्याय की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री प्रहलादेश नृसिंहदेव भगवान की, श्रील प्रभुपाद की। राधा रानी बोलती है, मेरी मूर्ति कब बनी। वृंदा देवी बोलती, कहाँ उनको आप नहीं दिखते हैं, प्रति तरु लताम दिक विदृक्षु स्फुरंती, हर तरु में, लता में, हर स्थिति में वो आपको देखकर ही तो सीखते हैं। तो कृष्ण ने सोचा कि हमारी गुरु तो पहले से फिक्स हैं, तो उनसे ही सीख लेते हैं, क्योंकि कलयुग में, कलयुग डजंट नीड फादरली डिसिप्लिन, कलयुग नीड मदरली अफेक्शन। ये पिता का शासन कलयुग में नहीं चलेगा। कृष्ण ने बोला, ये पालन करो, ये पालन मत करो, नहीं तो चिरकाल तक नरक में भोगोगे, ये कलयुग में नहीं चलेगा। इस हिसाब से तो सबको ही भोगना पड़ेगा, लेकिन कलयुग को चाहिए शीतलता। इसलिए हम बोलते हैं, चैतन्य चंद्रेर कृपा करो विचार, विचार कैले चित्ते पावे चमत्कार। चैतन्य चंद्र है, कृष्ण कौन है, कृष्ण है सूर्य सम माया अंधकार, कृष्ण सूर्य है। सूर्य प्रकाश तो देता है, लेकिन प्रकाश के साथ ताप भी देता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कौन है, चंद्र है। चंद्र प्रकाश के साथ शीतलता भी देता है, और उसी शीतलता से चैतन्य महाप्रभु ने हर वर्ग के व्यक्ति का उद्धार किया। वह हरिदास ठाकुर को निम्न जाति से उठा करके नामाचार्य बना देते हैं, वह रूप और सनातन को अपनी पॉलिटिक्स छुड़वा देते हैं, वो रघुनाथ दास गोस्वामी के ऐश्वर्य को छुड़वा देते हैं, वो सार्वम भट्टाचार्य का पांडित्य छुड़ा देते हैं, और वो प्रकाशानंद सरस्वती का मायावाद भी छुड़ा देते हैं, केवल केवल अपनी अनुकंपा से, केवल केवल अपनी कृपा से। जब आदि लीला में सुंदर कथा आती है, जब श्री चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में गए थे, तो उस समय प्रकाशानंद सरस्वती 60,000 शिष्यों के साथ, सन्यासियों के साथ वहाँ रहा करते थे, और चैतन्य महाप्रभु के दो अनुयायी वहाँ पर थे, तपन मिश्र और चंद्रशेखर आचार्य।
उन दोनों को एक खबर मिली कि चैतन्य महाप्रभु की बड़ी निंदा चल रही है। चैतन्य महाप्रभु की निंदा ये सारे सन्यासी आपस में करते हैं। निंदा, ये निंदा सुन करके दोनों भक्तों के हृदय में बहुत कष्ट लगा। मायावादी भक्तों को निंदा करते हैं समझ में आता है, अभक्त भक्तों को निंदा करते हैं समझ में आता है। सबसे दुखद बात है जब भक्त भक्तों को निंदा करते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। मैं जब इसके विषय में सुन रहा था, बड़ी अच्छी एक बात श्रवण में आई कि चार कारण होते हैं कि हम दूसरों की निंदा क्यों करते हैं। चार कारण होते हैं। प्रथम है नॉट सफिशिएंट एंगेजमेंट। व्यक्ति के पास पर्याप्त काम ना हो तो उसके पास एक ही काम होता है, निंदा करना। जैसे दो भक्त कई बार बैठ करके बातें करते हैं, ये फेस्टिवल में ये गलत हुआ, यहाँ पर ये गलत हुआ, मार्बल देखो पीला पड़ा जा रहा है, अथॉरिटी को कोई खबर नहीं है। दो घंटा डिस्कशन करने के बाद दोनों आपस में क्या बोलते हैं, छोड़ो ना प्रभु, अपन को क्या करना है। तो दो घंटे बात क्या कर रहे थे, इज नॉट सफिशिएंट एंगेजमेंट। जब इस समय समस्या होती है, क्रिटिसिज्म, निंदा शुरू हो जाती है। दूसरा है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अहंकार। जब अहंकार होता है तो दूसरों के अंदर दोष दिखते हैं। मायावादी सन्यासी सोच रहे थे हम 50 साल से सन्यासी हैं, हम 30 साल से सन्यासी हैं, हम 40 साल से सन्यासी हैं, और ये 24 साल का लड़का ये अभी सन्यास लेकर के आया है, और इसको हमसे सीखने आना चाहिए था, ये हमारे पास प्रणाम करने नहीं आया, हमारे सामने झुकने नहीं आया। सम्मान की अपेक्षा से निंदा करते हैं हम। इंद्र की कथा भागवत में पढ़ते हैं, सम्मान की अपेक्षा से कितने सारे अपराध इंद्र ने किए। ध्रुव महाराज की कथा सुनते, दक्ष की कथा सुनते हैं, दक्ष भगवान शिव से सम्मान की अपेक्षा करके अपराध करते हैं, निंदा करते हैं, और क्या कुछ बोल जाते हैं बोलते बोलते, ये बंदर जैसी आंखों वाला है, मेरी बेटी मृगनयनी है, इसके साथ मुझे शादी करानी ही नहीं चाहिए थी, वो तो ब्रह्मा के बोलने पे मैंने शादी कराई, नहीं तो मैं कभी शादी कराता ही नहीं। ऊट पटांग जो मन में आता है भगवान शिव के बारे में बोलता है, अहंकार। तीसरा है पर्सन इज डिससेटिस्फाइड और नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली। व्यक्ति को अच्छी तरह से किसी समय पर आदान प्रदान नहीं हुआ, सम बैड एक्सपीरियंस ही इज कैरिंग, उस वजह से भी वो निंदुक बन जाता है। अगर कोई बीमारी का इलाज समय पे ना हो तो वो बढ़ती जाती है, तो उस तरह से वो व्यक्ति निंदुक बन जाता है। अगला है एनवी, ईर्ष्या। कुछ नहीं है, किसी ने कुछ किया नहीं है, कोई आपसे छोटा बड़ा नहीं है, फिर भी एनवी है। लोग दूसरों की खुशी देख ही नहीं सकते हैं, ये ईर्ष्या का लक्षण है। कोई भक्त तो बहुत दिन बाद किचन में जाएगा, बेचारा प्रसादम सर्विस करेगा, तो हमको लगेगा हाँ आ गया दिखाने के लिए, आज बड़ी बाल्टी उठा के घूम रहा है, और वो नहीं जाएगा बैठ जाएगा तो लगेगा अच्छा डेली तो आता नहीं है और सीधा आके बैठ गया खाने के लिए, ये भी शिष्टाचार नहीं है कि प्रसाद बांटना चाहिए। एनवी, इस संसार का नियम यही है कि हम जब भी अपने वातावरण में उत्कृष्ट चेतना में नहीं जाएंगे, हमारी चेतना नीचे चली जाएगी, और उस चेतना में हम भक्तों की निंदा करते हैं। और हम देखते हैं रामचंद्रपुरी के शिक्षा से कि कैसे वो निंदा धीरे धीरे गुरु तक, कृष्ण तक पहुंच जाती है। कुलीन ग्रामवासी चैतन्य महाप्रभु के पास आते हैं और बोलते हैं, महाप्रभु मैं वैष्णव की निंदा करता हूँ, मैं कैसे बचूँ इस प्रवृत्ति से, वैष्णव की निंदा से मैं कैसे बच सकता हूँ। महाप्रभु दो चीज़ें बोलते हैं, उसी जिह्वा से जिससे वैष्णव की निंदा करते हो उसी से वैष्णव की प्रसन्नता, उनकी प्रशंसा करो, उसी उन्हीं जिह्वा से वैष्णव का गुणगान करो, और दूसरा उस जिह्वा से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेकिन स्वयं की निंदा तो कोई स्वीकार कर ले, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की निंदा कैसे स्वीकार करे। तो तपन मिश्रा और चंद्रशेखर आचार्य महाप्रभु को बोले, आपको कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो कीजिए, इतनी आपकी निंदा चल रही है। चैतन्य महाप्रभु ने किया, क्या किया किसको पता है, चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु केवल मुस्कुराए, क्योंकि उनकी स्वयं की शिक्षा है तरु रिवा सहिष्णुता, तो स्वयं के अपमान के लिए महाप्रभु करते क्या, वो मुस्कुराए। तो चार और शिक्षा सामने आती है,
कि अगर स्वयं की निंदा हो रही हो तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि इस बात में हो सकता है कोई सत्यता हो, ये व्यक्ति कुछ बोल रहा है, हो सकता है इस बात में सत्यता हो। कई बार हम जब करते हैं, कोई भक्त पास में बैठता है, वो बेचारा उठाता है, उसके ऊपर ही हम गुस्सा होने लगते हैं, तो उससे क्या होता है, कोई भी आसपास वाला भक्त हमको टच मी नॉट कैटेगरी में डाल देते हैं कि भाई ये सो रहे हैं समाधि में, जो भी इनको टच मत करो। एक बार श्री श्रीमद सत्स्वरूपदास गोस्वामी महाराज एक मंदिर में बैठ के जप कर रहे थे, दोपहर का समय था, कोई ज़्यादा भक्त नहीं थे, तो एक रैंडम व्यक्ति मंदिर में प्रवेश करता है और वो महाराज को जाकर के बोलता है, ऐसा लगता है कि आप अच्छे से जप नहीं कर रहे हो। अभी ये आदमी पहली बार आया था मंदिर में, बोलते स्वामी आई थिंक यू आर नॉट डूइंग इट प्रॉपरली। अब हो सकता तो महाराज उसको डंडे से वहीं पर पीटते कि भाई मैं सन्यासी हूँ, गुरु हूँ, इस्कॉन का जीबीसी हूँ, तू अभी मंदिर में आया, मुझे सिखा रहा है जब कैसे करना चाहिए। लेकिन महाराज ने उसको गंभीरता से लिया कि अगर किसी ने कुछ बोला है, हो सकता है उसमें कोई सत्यता हो। उसके आधार पर उन्होंने बाद में अपनी डायरीज लिखना शुरू की, जिसको हम जपा रिफॉर्म नोटबुक नामक किताब में देखते हैं। सो ही टुक इट सीरियसली। दूसरा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि सत्यता बिल्कुल नहीं है फिर भी लोग निंदा कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, तो फिर उसको अपना पूर्व कर्म मानना चाहिए, हमारे पूर्व कर्म के कारण हो रहा है। एक भक्त प्रभुपाद के पास जाके बोलता है, प्रभुपाद कुछ भक्त कभी खुश नहीं होते, मैं कुछ भी कर लूँ वो कभी मुझसे खुश होते ही नहीं है। प्रभुपाद बोलते हैं, पिछले जन्म में तुम उनके टेम्पल प्रेसिडेंट होंगे, इस कारण से तुमने इतने उनको अपराध किए हैं, इसलिए वो तुमसे आज खुश नहीं होते हैं। तो इसीलिए कई बार इस तरह की आघात आते जाते हैं, निंदा आती जाती है, हमको पूर्व कर्म मानना चाहिए। तीसरा, हो सकता है कृष्ण हमें कोई चेतावनी देना चाहते हो। कई बार दूसरों के माध्यम से कृष्ण चेतावनी दे जाते हैं। और चौथा, ये बड़ा ही रोमांचक है, इग्नोर इट। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है कि भाई इसमें सत्यता भी नहीं दिख रही है, पूर्व कर्म भी इतने बेकार नहीं है कि लोग इतना प्रताड़ित करें, अगर कुछ भी नहीं लगता है, तो फिर लर्न टू काउंट ब्लेसिंग्स इन लाइफ देन कर्सेस। हमारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा भी हमको मिल रहा है, उसके ऊपर हम ध्यान दें, ना कि बुरी चीज़ों के ऊपर। प्रवृत्ति ऐसी है कि जो नहीं है उसके ऊपर ध्यान ज़्यादा जाता है। श्री श्रीमद भक्ति प्रेम स्वामी महाराज एक बार बता रहे थे कि जब हमारा प्रसादम हॉल नीचे हुआ करता था, वहाँ पर बहुत बड़ी फीस्ट थी और महाराज प्रसाद सर्विस कर रहे थे, तो फीस्ट खत्म हो गई तो महाराज प्रसाद नहीं ले पाए, तो महाराज का रूम जहाँ अभी श्रीपाद अनिरुद्ध प्रभु रहते हैं वो रूम में महाराज रहा करते थे, तो महाराज उस रूम के बाहर मुरी निकाले, मुरी का ड्रम रखा होता था पहले, तो मुरी निकाले, उसमें थोड़ा पानी डाल के वो खाने लगे। तो एक भक्त जो फीस्ट लेके अभी अभी गया था ऊपर, वो देख के महाराज बोलता है, अच्छा तुम प्रेसिडेंट हो तो ये आइटम तुमने किसी को नहीं दिया, तुम अकेले बैठ के यहाँ पर खा रहे हो, ये तो सही नहीं है। तो महाराज बोल रहे, देखो वो पूरा फीस्ट खा के आया है, लेकिन प्रवृत्ति क्या है, जो नहीं मिला है उसके ऊपर ध्यान है। तो अगर कोई निंदा कर रहा है तो हम देख सकते हैं कि काफ़ी और भी भक्त हैं जो हमारी प्रशंसा करते हैं, काफ़ी और भी भक्त हैं जो हमको प्रोत्साहन देते हैं। कृष्ण बोलते हैं कि मैं अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करता हूँ। अब वो कृष्ण का काम है कि वो किसके द्वारा करेंगे। हो सकता है हमने ए नंबर डिवोटी को बहुत सेवा की है, लेकिन ए नंबर डिवोटी हमको भाव ही नहीं देता है, लेकिन कृष्ण हो सकता है बी नंबर डिवोटी से वो प्रेम, वो सौहार्द, वो मैत्री हमारे पास पहुंचा दें। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु केवल मुस्कुराए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि तपन मिश्र और चंद्रशेखर आचार्य बड़े ही द्रवित हो रहे हैं ये सोचकर कि अगर ये मायावादी सन्यासी चैतन्य महाप्रभु को अपराध करते रहे तो उनका पतन होगा, उनकी आध्यात्मिक उन्नति कैसे होगी। और वो चैतन्य महाप्रभु को मनी मन प्रार्थना करने लगे, वैष्णवेर आवेदन कृष्ण दयामय। जो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मायावाद भाष्य सुनीले होइले सर्वनाश, वही चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्र और चंद्रशेखर आचार्य के हृदय की करुणा को देख करके द्रवित हो गए। चैतन्य महाप्रभु के अंदर करुणा आई तपन मिश्र और चंद्रशेखर आचार्य की करुणा देख करके। ये वैष्णवों की प्रार्थना में इतनी शक्ति होती है। हम प्रतिदिन अपनी भक्ति करते हैं, प्रतिदिन जब अपनी जपमाला को हाथ लगाते हैं और अपने गुरु का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, तो हमको यही सोचना चाहिए कि उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से हम आज हरिनाम जप कर रहे हैं, उनके आशीर्वाद से आज हम भक्ति में आगे चल रहे हैं। लेकिन कई बार हम उस कृपा को, उस आशीर्वाद को भूल जाते हैं।
एक बार एक सन्यासी सिंगापुर गए, सिंगापुर में उनका एक शिष्य था, तो उसने उनको बोला कि गुरु महाराज हमारी बेटी अभी अभी जन्म ली है और वो इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में है कि वो अपना देह त्याग भी कर सकती है, आप कृपया उसके लिए प्रार्थना कीजिए। तो सन्यासी ने बोला ठीक है हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। 10 साल बाद वो भक्त सिंगापुर से भारत आया और अपने गुरु से मिला, तो उसके गुरु उसको पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम्हारी बेटी का क्या हुआ। बोले ये साथ में 10 साल की हो गई, बोले तुमने मुझे बताया ही नहीं कि वो सही हो गई, मैं तो अभी तक प्रार्थना कर रहा हूँ, 10 साल हो गए मुझे प्रार्थना करते करते। तो जब हम मुसीबत में होते हैं तब तो हमको गुरु कृष्ण याद आते हैं, लेकिन जब हम भक्ति का पालन भी ठीक से कर रहे हैं वो किसके आशीर्वाद से हो रहा है, वो भी गुरु कृष्ण के आशीर्वाद से हो रहा है। तो वैष्णवों की करुणा देख करके चैतन्य महाप्रभु ने अपना प्लान चेंज कर दिया। उन्होंने निश्चय किया प्रकाशानंद सरस्वती और उनके सन्यासी शिष्यों का उद्धार करने के लिए। एक ब्राह्मण न्योता देने के लिए आया, चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण के माध्यम से तपन मिश्र और चंद्रशेखर आचार्य की प्रार्थना सुनी। जैसे हम कभी एम्बुलेंस को फ़ोन लगाते हैं, अब एम्बुलेंस देवास रोड से आएगी कि इंदौर रोड से आएगी वो हमारे हाथ में नहीं है, तो इसी तरह हम जब प्रार्थना करते हैं भगवान किस जरिए से हमें मदद भेजेंगे ये हम नहीं जान सकते। तो तपन मिश्र चंद्रशेखर आचार्य सोच रहे थे महाप्रभु कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हमें इनकी चिंता है महाप्रभु कुछ कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन महाप्रभु ने वो ब्राह्मण को भेज दिया। वो ब्राह्मण आए, न्योता दिया, श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा को चंद्रशेखर आचार्य और तपन मिश्र ने उस ब्राह्मण के रूप में देखा। कब भगवान कैसे कृपा करेंगे, देवताओं ने प्रार्थना की हिरण्याक्ष को मारने के लिए, वराहदेव ब्रह्मा की नासिका से आ गए, ब्रह्मा जी डर गए मेरी नाक से ऐसा हो सकता है क्या कुछ, तो भगवान कैसे कब कहाँ प्रकट हो जाएंगे हम कल्पना नहीं कर सकते। मुंबई में एक सीए का छात्र था, 10 साल से सीए की तैयारी कर रहा था, उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। फिर उसको भक्तों ने समझाया देखो सीए छोड़ो, सब लोग दीर्घ और प्रभु नहीं होते, तो तुम एक काम करो दूसरी नौकरी में जाओ। अच्छा ठीक है मैं दूसरी नौकरी में जाता हूँ। तो बेचारे ने और कोई पढ़ाई तो की नहीं थी, उसको बड़ा कठिन लग रहा था मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, फिर भी फाइल लेके एक दफ्तर में गया। वो दफ्तर में जाता है और वो एचआर उसको पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, तो अपना नाम बताता है, तो बोलता है तुम गलत बोल रहे हो तुम्हारा नाम ही हो ही नहीं सकता। तो बोले अरे मेरे सर्टिफिकेट सामने है फाइल सामने है कैसे आप बोल रहे हो। बोले नहीं तुम्हारे नाम हो ही नहीं सकता, बताओ फिर आप ही बताओ मेरा नाम क्या है। तो बोलता है तुम्हारा नाम दास से होना चाहिए। हाँ मेरा नाम दास है, मेरा दीक्षित नाम दास से। बोले हाँ कंठी माली पहनी हुई है और चोटी रखी हुई है और तुम बोल रहे हो तुम्हारा नाम दास नहीं है। अच्छा ये बताओ जीव की स्थिति क्या है। उसने सिर को चाहिए ये मैं कौन सी कंपनी में आ गया। उसने बोला जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। वेरी गुड, माया की स्थिति क्या है। बोले माया भगवान की दासी है, भगवान कौन है, कृष्ण भगवान है। बोला ठीक है यू आर सिलेक्टेड। उसने कहा ये क्या हुआ मेरे साथ। तो बोला मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। बोले नहीं एक्चुअली मैं दिल्ली से कनेक्टेड हूँ, गोपाल कृष्ण महाराज का डिसाइपल हूँ, मेरे को कोई संगति नहीं मिल रही थी यहाँ पर, मैं सोच ही रहा था कोई डिवोटी कंपनी में आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा। उसने बोला मैं ट्रेनिंग व्रेनिंग सब दे दूंगा तुमको, चिंता मत करो, तो बस मेरे साथ थोड़ी भागवत पढ़ लिया। तो भगवान कैसे कृपा भेज देते हैं हम कल्पना नहीं कर सकते। चैतन्य महाप्रभु ने ब्राह्मण के माध्यम से तपन मिश्र और चंद्रशेखर आचार्य को प्रसन्न किया। चैतन्य महाप्रभु उस निमंत्रण को स्वीकार करते हैं और देखते हैं सारे सन्यासी भगवा वस्त्र पहने हुए चमचमाते हुए बैठे हुए हैं अपने एक दंड लेकर के। चैतन्य महाप्रभु जा करके जहाँ वो लोग पैर धोते थे वहाँ जा करके बैठ जाते हैं, और ये कृत्रिम नहीं था। चैतन्य महाप्रभु वास्तव में अपने आप को इतना विनम्र मानते थे कि वो वहाँ जा करके बैठ गए। जब तक विनम्रता कृत्रिम रहेगी तब तक लोगों के हृदय को स्पर्श नहीं करेगी। एक बार एक वक्ता प्रवचन में ऐसे ही बोल रहे थे कि हम तो पतित हैं, हम लायक नहीं हैं, आप सबकी योग्यता से ही तो हम प्रचार कर रहे हैं। फिर एक घंटे बाद मीटिंग थी, मीटिंग में भक्तों ने उसको बोला तुम्हारा डिपार्टमेंट अच्छे से नहीं चल रहा है, तुमको चेंज करा जा रहा है, तुम दूसरे डिपार्टमेंट में जाओ। तो वो चढ़ने लगा, बोले अरे मैंने इतना कुछ डिपार्टमेंट डेवलप किया आप मुझे कैसे चेंज कर रहे हो। तो बोला प्रभु जी एक घंटे पहले तो आप प्रवचन में बोल रहे थे। बोले वो बोलना हमारा काम था, मानना थोड़ी था आपको, आपको तो यही सोचना चाहिए था हम विनम्र हैं। तो विनम्रता जब तक कृत्रिम रहेगी तब तक किसी हृदय को स्पर्श नहीं करेगी।
चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार का एक बहुत अभूतपूर्व शिक्षा इस लीला के माध्यम से दी। चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं दो चीज़ें। प्रचार तब सार्थक होता है जब हमारे अंदर सामने वाले व्यक्ति के लिए करुणा हो। चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर इसलिए नहीं गए थे कि प्रकाशानंद सरस्वती बहुत इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हैं, 60,000 उनके सन्यासी हैं, इनको हम वैष्णव बना देंगे तो बड़ा टारगेट एक बार में फुलफिल हो जाएगा, इसलिए नहीं गए थे। वो करुणावश गए थे। जब तक व्यक्ति के लिए करुणा नहीं, उसको हम प्रचार नहीं कर सकते। और दूसरा, अपने स्वयं के चरित्र से ही हम दूसरों को आकर्षित कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने दोनों माध्यमों से उनको आकर्षित किया। जैसे ही सन्यासियों ने देखा, इतना प्रज्वलित उज्ज्वल उनका कांति थी, पूरे शरीर से आभा निकल रही थी, जैसे मानो सूर्य वहाँ पर प्रकट हो गया हो, सारे सन्यासी आकर्षित हो गए। भक्त लोग बताते हैं कि ये आभा, ये चमक कैसे आती है, ये हृदय की संतुष्टि से आती है। हृदय अगर मलिन रहेगा, हृदय अगर कर्कश रहेगा, हृदय अगर वैष्णव निंदा में रहेगा, तो उसके मुख पे आप देख सकते हैं कि वो व्यक्ति प्रसन्न नहीं है। और जब हृदय संतुष्ट होगा, हृदय कृष्णमय होगा, तो व्यक्ति के चेहरे से, उसकी आभा से समझ सकते हैं कि हाँ, ये भक्ति में बहुत अच्छे से युक्त है। और राधानाथ स्वामी महाराज बोलते हैं कि दैट हैप्पी डिवोटी इज द बेस्ट प्रीचर। जो प्रसन्न नहीं है वो प्रचार क्या करेगा। हाँ, आप लोग हरे कृष्ण भावन का जप कीजिए, आप खुश हो जाएंगे। तुम खुश हो गए? नहीं, मैं नहीं हुआ, आप हो जाएंगे। ऐसे प्रचार नहीं हो सकता। हैप्पी डिवोटी इज द बेस्ट प्रीचर। तो प्रकाशानंद सरस्वती आए, बड़े आकर्षित तो हुए ही, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की विनम्रता देख करके पिघल गए। चैतन्य महाप्रभु को हाथ दे करके प्रकाशानंद सरस्वती ऊपर उठाते। वो प्रकाशानंद सरस्वती जो चैतन्य महाप्रभु की निंदा कर रहे थे, वो प्रकाशानंद सरस्वती जो एक भी गुण चैतन्य महाप्रभु में नहीं देख पा रहे थे, वो आज चैतन्य महाप्रभु को अपने हाथों से ऊपर उठा रहे हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम सामने वाले के अंदर से अच्छा व्यक्ति निकालते हैं कि बुरा व्यक्ति निकालते हैं। ये उसका दोष नहीं है, हमारे ऊपर निर्भर करता है। चित्रकेतु अपने पुत्र को प्राप्त करके इतना मग्न हो गया कि बाकी रानियों की उपेक्षा करने लगा। उससे उन रानियों के अंदर ईर्ष्या आई और चित्रकेतु के हर्ष शोक को मार दिया। उन रानियों के दोष से ज्यादा दोष चित्रकेतु का है। ध्रुव महाराज को क्रोध आया सुरुचि का अपमान से, लेकिन उससे ज्यादा क्रोध आया उत्तानपाद के चुप रहने से। ठीक है, सुरुचि तो मेरी विमाता है, लेकिन उत्तानपाद तो मेरे पिता है, वो क्यों चुप थे? ध्रुव के अंदर की कर्कशता, उनका क्रोध उत्तानपाद ने बाहर निकाला, और उसी के विपरीत सुनीति ने ठंडा कर दिया। तो क्या दोष ध्रुव का था? ध्रुव के सामने वाले व्यक्ति का था। तो हमारे ऊपर निर्भर होता है कि हम सामने वाले के अंदर अच्छा निकाल रहे हैं कि बुरा निकाल रहे हैं। यहाँ चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती के अंदर एक अच्छे व्यक्ति को निर्माण कर दिया, और बाद में चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किया। प्रकाशानंद सरस्वती पूछते हैं, तुम ये क्या नाचते गाते रहते हो, क्यों वेदांत पाठ नहीं करते हो? चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है। गुरु मोरे मूर्ख देखी करी लो शासन। गुरु ने बोला तुम मूर्ख हो, और मैं जानबूझ के नहीं करता हूँ। ये हरे कृष्ण महामंत्र का स्वभाव ही है कि जैसे ही मैं जप करता हूँ, वैसे ही मेरे अंदर ये अष्ट सात्विक विकार आ जाते हैं। तो इस तरह प्रकाशानंद सरस्वती प्रश्न में प्रश्न पूछते हैं और चैतन्य महाप्रभु उनको प्रचार करते हैं। श्रील प्रभुपाद उस तात्पर्य में बहुत सुंदर बात कहते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं, जप करना या नहीं करना बड़ी बात नहीं है, संकीर्तन करना या नहीं करना बड़ी बात नहीं है। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा से हमको पता लगता है कि चैतन्य महाप्रभु गुरु उपदेश को पालन कर रहे हैं, जो सबसे बड़ी बात है। चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती को शास्त्र युक्ति नहीं दे रहे, बोले मेरे गुरु ने बोला है, इसलिए मैं हरिनाम संकीर्तन कर रहा हूँ। तो उस माध्यम से चैतन्य महाप्रभु की विनम्रता, उनकी गुरु निष्ठा से प्रकाशानंद सरस्वती आकृष्ट हुए और 60,000 सन्यासियों के साथ उनके अनुयायी बन गए। वाराणसी का चित्र ही अलग था, 60,000 सन्यासी एक साथ हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलियुगपावन अवतारी श्री चैतन्य महाप्रभु की, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की, श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की, निताय गौर प्रेमानंदे।
हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? इस माइक आपके बाजू में है। The attributes which I told is for practicing devotees. But Dhruva Maharaj was not pure, not on the path of pure devotional service that time. He was in the category of Artharthi. Artha and Artharthi both. So he was having anger. He was having frustration. And in that, he heard that, okay, worship Narayan, you will get it. So Suniti said, okay, you want it? Don't have any malice for anybody. Go to the forest, worship Lord Narayan. So he took that path. On the way, Narad Muni checked him. If he would be any Artharthi and he is approaching any demigods, Narad Muni would have not entertained him. But he was determined, I have to get Narayan to get this. And Narada's name is Narada, he gives Narayan. So there's job profile. So he said, okay, I will help this person. So he was not on the course of pure devotional service, but then when Narad Muni instructed him, he followed that course of pure devotional service. And the discussions we had is for practicing sadhakas. When practicing sadhakas face criticism, then they should see Krishna's hand in it. That was the discussion. Aur koi prashna? Yes. Atmaman manyate jagat. When we see others, we have to see them as genuine humility. If we see them as artificial humility, means we are judging them. And that will be another offense. So we don't have to judge anybody. That is not our job. But one thing we can judge is our own humility. Hum kitne vinamra hain? Hum vastavik vinamra hain ki nahin? Kam se kam lakshya wo hona chahiye. Theek hai, aaj main vinamra nahin hoon, purnata vinamra nahin hoon. मैं झकमरा के प्रणाम करता हूँ, मैं झकमरा के दंडवत बोलता हूँ, मैं झकमरा के बात सुनता हूँ, मैं शांत रहने की कोशिश करता हूँ, फिर भी कभी कभी मुख से चीज़ें निकल जाती हैं। ठीक है, आज मेरी ये स्थिति है, लेकिन मेरा लक्ष्य है कि मैं एक विनम्र भक्त बनूँ। कृष्ण को फूल ही अर्पित होते हैं, कांटे अर्पित नहीं होते, तो मैं भी एक पुष्प जैसा भक्त बनूँ। कम से कम ये लक्ष्य हमारे मानसिक पटल पर होना चाहिए। सो दैट शुड बी अवर एस्पिरेशन। और बाकी भक्तों के लिए लेट अस गिव देम बेनिफिट ऑफ डाउट। वो विनम्र ही है। हम हो सकता है हम उनको ठीक प्रकार से नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन वो विनम्र ही है। किस तरह विनम्र बना जाए, ये प्रश्न है। विनम्र भक्तों की सेवा से विनम्र बना जा सकता है, क्योंकि जब हम अपने से बड़े लोगों को देखते हैं, अपने से उन्नत लोगों को देखते हैं, तो धीरे 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 हमारे अंदर विनम्रता आती है। जब तक हमें लगता है कि नहीं, हमसे बड़ा है ही कौन, देवा और देवा, गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन,
तुमसे भक्तजनों में हमसे बढ़कर कौन, तो वेन एवर दैट एटीट्यूड इज देयर वी कैनॉट रेक्टिफाई। लेकिन जब हम अपने से उन्नत भक्तों को देखते हैं, उनकी महिमा सुनते हैं, आचार्यों के जीवन को सुनते हैं, तब हमको समझ में आता है कि हमारी भक्ति कितनी तुच्छ है। प्रभुपाद के शिष्यों की जीवनी हम देखते हैं, बड़े बड़े कार्य उन्होंने किए हैं, फिर भी उनका जीवन चरित्र कितना सादा, कितना सहज है, तब हमको समझ में आता है कि हम इनके सामने कितने तुच्छ हैं। तो इसलिए भक्तों की महिमा का श्रवण करना चाहिए, भक्तों की कीर्ति महिमा को सुनना चाहिए, उससे धीरे धीरे हमारे अंदर वो विनम्रता आती है। जैसे चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, भक्तों की महिमा और हरे कृष्ण महामंत्र, इसके माध्यम से हम कर्कशता से मधुरता तक जा सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।